हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल मीताज डायरी। आज हम लोग कोलकाता के चाइना मंदिर में जा रहे हैं जो आदर्श नगर में है, साइंस सिटी के ये बिल्कुल ही पास है। ये सॉल्ट लेक स्टेडियम है जिसे हम विवेकानंदा युवा भारती क्रीडांगन के नाम से भी जानते हैं, जो ईएम बाईपास में है। बाईपास को सीधा फॉलो करते हुए हमें साइंस सिटी की तरफ बढ़ना है। रोड के दोनों साइड में ऐसे छोटे पार्क बने हुए हैं जहां से नॉलबर्न लेक का अच्छा व्यू मिलता है। मेट्रो रेल का काम यहां चल रहा है। ये बिल्डिंग आईटीसी रॉयल बंगाल है जो कि कोलकाता का एक फेमस होटल है। बाईपास को फॉलो करते हुए हमें यह लग्जरियस रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिखाई देता है जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। सिंगापुर के मरीना बे सैंड से इंस्पायर्ड होकर यह प्रोजेक्ट बनाई गई है। इसे कुछ लोग ट्विन टावर के नाम से भी जानते हैं। ऊपर एक हैंगिंग गार्डन और साथ में स्विमिंग पूल भी है। हाफ किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट लेना है। यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। हेलो व्यूअर्स, हम लोग आज आ पहुँचे हैं चाइना मंदिर जो कि आदर्श नगर में है, साइंस सिटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत बड़ा चाइनीज टेंपल है। चाइना मंदिर के पीछे ही एक समाधि स्थल भी है जहां पर मॉन्क लोगों की समाधि है। मंदिर की एंट्री में ही एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई दी जिसके चारों ओर कमल के पौधे हैं। मैं यहाँ आने के लिए गूगल मैप की हेल्प ले रही थी पर गूगल ने लोकेशन थोड़ा गलत दिखा दिया। यहाँ के लोकल लोगों से पूछकर हम इस मंदिर तक पहुँच पाए हैं। पहले ये मेन गेट था इस चाइना मंदिर का, पर अभी बंद हो गया है। अभी यहाँ पर एक छोटा सा गेट बना दिया गया है। इस चाइना मंदिर को हम हुआंग सैंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। मंदिर बहुत ही बड़ा है।
चलिए मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। मंदिर के अंदर आते ही हमें भगवान की 5 चमकती हुई मूर्तियां दिखाई देती है। चाइनीज लैंप से मंदिर को सजाया गया है। चाइनीज न्यू ईयर, बुद्ध पूर्णिमा और भी ऐसे स्पेशल डेज में यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। कॉरिडोर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा किचन और डाइनिंग हॉल दिखाई देता है, जिसका इस्तेमाल स्पेशल डेज में ही होता है। ऊपर की तरफ सीढ़ियां बढ़ती है। ऊपर भी भगवान की 3 मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों पर हैंड पेंटिंग की गई है जो कि बहुत ही बारीक है, जिसे बनाने के लिए चाइना से लोग आए थे। मन को शांति देने वाला यह जगह बहुत ही सुंदर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे साथ ऐसे नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।